अपहरण की फिरौती वसूलने की गंभीर घटना को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी के द्वारा तत्काल आरोपी को पकड़ने के लिए दिए गए निर्देश के अनुसार श्री एस के सिंह नगर पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली छिंदवाड़ा प्रभारी निरीक्षक सुमेर सिंह जगत के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा मामले के आरोपी की तलाश की गयी, जो की दिनांक 11 मई 2018 को आरोपी शोएब अली पिता हबीब अली उम्र 30 वर्ष निवासी मालवी नगर छिंदवाड़ा गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से फिरौती की वसूली की गयी रकम और घटना में प्रयुक्त मोबाइल हथियार व रस्सी जब्त की गई। आसपास मिलते हैं। कल इनको 9 तारीख की घटना है, इनको जोएब ने बोला कि प्लाई हमको बहुत सारी मात्रा में खरीदना है, आप चल के हमारे नाना जी से बात कर लो घर पे। ये जोएब इसको बबलू डायमंड को अपने घर पे ले गया, वहाँ नाना जी तो मिले नहीं और इसको बोला कि वो प्लाईवुड का तो हो गया, मुझे तुमसे 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे लड़के को जान से खत्म कर दूंगा। बबलू भाई वहां से भागे तो इन्होंने दौड़ के उसको दरवाजे पर पकड़ लिया और उसको बांध दिया सोफे पर रस्सी से, हाथ पैर दोनों, और चाकू दिखा के डराया कि अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को किडनैप करके मार दूंगा। तो बबलू भाई डर गए, डर के कारण इन्होंने एक दो जगह प्रयास किए पैसा मांगने का, क्योंकि उस समय कहीं व्यवस्था हो नहीं पाई। तब इन्होंने उसको आश्वासन दिया कि तुम मुझे छोड़ दो या मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पैसा व्यवस्था करके दूंगा। तो आरोपी स्वयं इनकी दुकान तक जोएब जिसका नाम है आया, उसने 2,30,000 रुपए तत्काल व्यवस्था करके आरोपी को दिया और बाकी का पैसा बाद में आऊंगा ऐसा कहकर वो चला गया। दूसरे दिन कल फिर इसने कई बार इसको फोन पर संपर्क किया, फिर दुकान पे भी बाकी का पैसे लेने आ गया। तब फरियादी बबलू भाई को डर लगा, उन्हें समझ आई कि पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार से मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तब कहीं जाकर उन्होंने अपने दोस्त को खबर की और उसने पुलिस को खबर की और पुलिस वहां पर पहुंची। तब तक आरोपी भाग चुका था। जो बबलू उर्फ डायमंड की रिपोर्ट पर आरोपी जोएब के विरुद्ध 364 का 386 आरोपी के लिए अपहरण और उद्दापन जिसको बोलते हैं, किसी की भी जान को भय में डालकर पैसा वसूलना के धाराओं के अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आज रात से सरगर्मी से इसकी तलाश की जा रही थी, जिसके मोहल्ले में ये छुपा भागता हुआ पुलिस को मिल गया है। इसके पास से 2,30,000 रुपए जो इसने लिए थे वो बरामद हो चुके हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, रस्सी जिससे हाथ पैर बांधे थे और चाकू, इतना और इसका घटना में प्रयुक्त मोबाइल, ये सारा सामान पुलिस ने जब्त कर लिया और इसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। अभी तक विवेचना में पूरा घटनाक्रम इसी के द्वारा किया जाना बताया है। अगर इसके पीछे और भी कोई मास्टरमाइंड होगा तो उस बिंदुओं पर विवेचना की जाएगी, जैसे कोई व्यक्ति पाया जाता तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।